नमस्कार, जय जोहार सभी साथियों को। साथियों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि चिंतन शिविर के अंडर कैंप रखा गया है अपने जोधपुर सुरसागर पुरटिया में, तो समाज के सभी युवा साथी एवं बुजुर्ग व मातृशक्ति से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस समाज के कार्यक्रम में सभी भाग लेवे और अपनी उपस्थिति ज़रूर ज़रूर देवे। साथियों, ये कार्यक्रम किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे अपने जोधपुर संभाग में समस्त जोधपुर शहरवासियों का समाज द्वारा सबके लिए रखा गया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी साथी, सभी युवा, पंच पटेल, माताएं बहनें समेत समस्त अपने परिवार फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं। साथियों, ये प्रोग्राम जोधपुर शहर में, अपने शहर में लगभग ये पहला कार्यक्रम होगा सुरसागर भुरटिया से, क्योंकि अभी तक सारे कार्यक्रम जो हुए हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, और इस बार हमने और हमारी पूरी टीम ने यह तय किया कि सुरसागर भुरटिया में एक कार्यक्रम रखा गया है और रखा जाएगा, जिसमें समस्त शहरवासियों के लिए और उनके परिवारजनों सहित कार्यक्रम में पधारे, ताकि समाज में जो फैली हुई है कुरीतियाँ शिक्षा के प्रति व जागरूकता के प्रति, इन सभी को मिटाने के लिए और एक समाज को सही दिशा व जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग आएंगे, जो हम सभी को जागरूकता की ओर ले जाने का प्रयास पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी वहां पधारे और इस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाएं। दोस्तों, एक अपने समाज में एक दिक्कत है कि हमें पर्सनल कोई निमंत्रण भेजे तो आएंगे। दोस्तों, ये निमंत्रण जब भेजा जाता है पर्सनल, जब कोई किसी पर्सनल घर में किसी की शादी या समारोह हो या पार्टी हो, तो किसी एक को पर्सनल हम निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम लगभग पूरे समाज का है। इसमें आप लोग ये कभी नहीं सोचे कि मेरा नाम नहीं है या मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया है या मुझे बुलाया नहीं गया या मुझे किसी ने कहा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज समाज एक जगह खड़ा होकर अगर एक साथ मिलकर सब संगठन